गौर बिल्डर के पीछे पड़ा है विवादों का भूत। मनोज गौर के खिलाफ एक और विवाद आया है सामने। बाढ़ को धमकाने वाले वीडियो के बाद एक और आरोप, क्रॉसिंग रिपब्लिक के GH7 सोसाइटी के RWA अध्यक्ष का आरोप है। ये GH7 सोसाइटी के RWA अध्यक्ष संजय सिंह का खुला आरोप है, झूठे मामले में फंसाना मनोज गौर के बाएं हाथ का खेल है। विरोध करने पर जेल तक की हवा खिला सकते हैं मनोज गौर। RWA अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि मुझे भिजवाया जेल, मारपीट कर झूठे मामले में फंसाकर खिलाई जेल की हवा। जेल भिजवाने से लेकर बना रहता है जान का खतरा। गाजियाबाद में गौर बिल्डर की गुर्गों की चलती है खुलेआम गुंडई। क्रॉसिंग रिपब्लिक के GH7 सोसाइटी के लोगों का आरोप है सोसाइटी की मेंटेनेंस का कार्यभार मांगने पर मिलती है धमकी। बिल्डर्स के ठेंगे पर UP अपार्टमेंट एक्ट और HC के आदेश यानी हाईकोर्ट के आदेश की भी कोई यहाँ पे वक्त नहीं है। GDA ने CIPL को 5 बार लिखित में दिया आदेश, फिर भी सोसाइटी के मेंटेनेंस का नहीं सौंपा कार्यभार। CIPL के होल टाइम डायरेक्टर मनोज गौर, CIPL में मनोज गौर की बोलती है तूती। गौर बिल्डर के गुर्गों से परेशान है GH7 के रेजिडेंट। मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने होती है 65 लाख की उगाही। विवग्योद नाम की कंपनी के पास है मेंटेनेंस का चार्ज, SJS कंपनी के पास है सोसाइटी की सिक्योरिटी का जिम्मा। दोनों कंपनियों को खुलकर सपोर्ट करते हैं मनोज गौर। विवग्योर और SJS कंपनी के लोग करते हैं गुंडागर्दी। RWA अध्यक्ष ने मनोज गौर को बताया 40 चोरों का सरदार। GH7 सोसाइटी में गुंडागर्दी और आतंक का माहौल है। गौर साहब के गुर्गों ने वहाँ पे जो CIPL में काम करते हैं वहाँ पे गुंडागर्दी का एक आतंक का माहौल बना रखा है और वो हमसे हर महीने 65 लाख रुपए की मेंटेनेंस के रूप में फिरौती इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पे कोई भी सुविधा नहीं है। और अन्य जगह, हाँ, जैसे अन्य जगह होती है वैसी वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। वहाँ पे उन्होंने मेंटेनेंस एक गुंडे व्यक्ति को दे रखी है जिसकी वजह से मुझे पिछली बार दिनों उन्होंने हमसे झगड़ा किया, मारपीट की और उल्टा हमारे साथ प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के कंप्लेंट बना दिया, 307 का केस लगा दिया, जिसकी वजह से मुझे 20 दिन की कहता है कि जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ा। और जुडिशियल कस्टडी में जब लोअर कोर्ट में केस सुनवाई पे आया तो कोर्ट ने उसमें कोई आधार था नहीं, मेडिकल रिपोर्ट इनके अगेंस्ट में थी जिसमें एकदम छोटी मोटी खरोचों को इन्होंने बड़ा करके दिखा करके मेरे खिलाफ 307 का केस बनवा दिया। उसमें हमारे साथ 3 रेजिडेंट्स को भी जेल जाना पड़ा और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जा करके उनकी बेल लेकर के हम लोगों को लाखों रुपए इसमें खर्चा करना पड़ा। और उनका मेन उद्देश्य यह है कि किसी भी तरीके से हमारा वर्चस्व इस सोसाइटी के ऊपर से कम ना हो। तो 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं आपको जो आपकी स्क्रीन पर आने वाली हैं। एक वो जो वीडियो में हुआ है खुलासा, इसमें परेशान बायर्स को मनोज गौर खुलेआम धमकी दे रहे हैं और बोलती बंद करने की। और एक तस्वीर है जिसमें गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के GH7 सोसाइटी के RWA अध्यक्ष संजय सिंह का आरोप है कि मनोज गौर ने उनके साथ मारपिटाई करवाई, झूठे मामले में फंसाकर जेल तक भिजवाया। संजय सिंह ने कहा कि क्रॉसिंग रिपब्लिक के G7 के सोसाइटी के मेंटेनेंस का कार्यभार मांगने पर उन्हें धमकाया जाता है, धमकियां मिलती हैं। तो 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, झूठ मामले में फंसाने की 2 तस्वीरें हैं। तो मनोज गौर की धमकी और दूसरी तरफ अगर विरोध किया तो फिर जेल भेज दिया जाएगा, ये धमकी। सर ये एग्रेशन नहीं है, ये अलाउ नहीं है, ये नहीं नहीं तो मारपीट कर झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवाया जाता है। और ये आरोप बायर्स का है, उन खरीदारों का है जिनका संबंध मनोज गौर से है, उनके बिल्डिंग से है, उनके सिस्टम से है। समाचार प्लस इन आरोपों को नहीं लगा रहा, समाचार प्लस बायर्स की आवाज को आगे पहुंचा रहा है और बायर्स के आरोपों को अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि खरीदार किसने किस हद तक परेशान है। तो ये बायर्स की दिक्कत है, बायर्स के आरोप है और मनोज गौर और उनकी तमाम कंपनी और तमाम गुर्गों पे ये खरीदारों के आरोप है। समाचार प्लस इन आरोपों को नहीं लगा रहा। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मनोज गौर और उनके सिस्टम से जुड़ी हुई जो खामियां हैं उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन है और ये आरोप है।